नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षक जाएंगे जेल। बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर सीएम नीतीश ने कही ये बात। अग्निवीर भर्ती के लिए आज से खुला पोर्टल। कुशवाहा छोड़ सकते हैं जेडीयू। सानिया मिर्जा नजर आएंगी क्रिकेट में। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षक जाएंगे जेल। निगरानी ब्यूरो के द्वारा उन शिक्षकों के खिलाफ जिला पुलिस को आदेश जारी कर दिया गया है जिन्होंने फर्जी डिग्री के सहारे नियोजित शिक्षकों की नौकरी ली है और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसके साथ ही वैसे शिक्षक जिनके डिग्री का सत्यापन करना शेष रह गया है, उनके डिग्री का भी जल्द से जल्द सत्यापन पूरा कर लेने के लिए निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 2401 नियोजित शिक्षकों के खिलाफ 1196 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। मालूम हो कि इन शिक्षकों की नियुक्ति में जांच का सिलसिला 2015 से ही निगरानी ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब निगरानी विभाग ने सभी जिला पुलिस से यह जानकारी मांगी है कि अब तक जितने भी नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है वो कहाँ हैं और अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। बता दें कि अब इस पर निगरानी विभाग के डीजी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में समीक्षा बैठक करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर सीएम नीतीश ने कही ये बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी भी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, उन्हें एक बार फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से पहल की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में चीनी मिलों को चालू करने की प्रक्रिया में किसानों के अविलंब भुगतान के संबंध में नियम भी बनाया जाएगा और यदि अगर ससामोसा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा किसानों के बकाए का भुगतान करने की दिशा में कदम नहीं उठाए जाते हैं तो उसे सीज कर सरकार किसानों के बकाए का भुगतान करने की दिशा में निर्णय लेगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल योजना का मेंटेन रखने का भी निर्देश दिया और कहा कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो बिना देर किए उसे ठीक करवाया जाए। पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार का अग्रिम जमानत याचिका खारिज। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष त्रिवेदी के द्वारा बिहार के गया में आय से अधिक संपत्ति मामले में फरार चल रहे निलंबित पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के अग्रिम जमानत याचिका को निगरानी वकील आनंदी सिंह के विरोध पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया है। बता दें कि विशेष निगरानी विभाग के द्वारा एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला 5 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। मालूम हो कि उनके ऊपर 1,33,00,000 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर जांच की गई और उन्हें दोषी पाया गया और फिलहाल एसएसपी आदित्य कुमार फरार चल रहे हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए आज से खुला पोर्टल। अगर आप भी अग्निवीर सेना में भर्ती होने का ख्वाब रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज से अग्निवीर सेना भर्ती के लिए पोर्टल खुल चुका है जो कि 15 मार्च तक खुला रहेगा। मालूम हो कि जिन जिलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती योजना में केवल 17 से 21 साल के युवा भाग ले सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस बार ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लिखित परीक्षा पहले होगी जो अप्रैल में आयोजित की जाएगी और फिर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को रैली के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। पटना में राज्य के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का होगा निर्माण। बहुत जल्द ही बिहार की राजधानी पटना में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड व रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाने वाला है। इसके लिए फतुहा अंचल के जैतिया गांव में लगभग 108 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पटना में बनने वाला यह पार्क राज्य का पहला पार्क होगा। इस पार्क के निर्माण होने से राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा। बता दें कि इस पार्क को बनवाने में लगभग 168 करोड़ रुपए के खर्च होने की संभावना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा जिसमें कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े बड़े वाहनों के लिए पार्किंग व कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था भी होगी। नित्यानंद की हत्या की साजिश मामले में 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की हत्या की साजिश के मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके आधार पर हाजीपुर नगर थाने के द्वारा 4 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए 2 आरोपितों को नगर थाना की पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि जिन 4 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उनकी पहचान माधव कुमार उर्फ माधव झा, वीर कुमार सिंह उर्फ आर्यन सिंह, शिवशंकर शर्मा और अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस की टीम फरार चल रहे 2 आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी हुई है। अब लेट लतीफ ऑफिस पहुंचना पड़ सकता है महंगा।
अब सरकारी कर्मचारियों को लेट लतीफ ऑफिस पहुंचना महंगा पड़ सकता है। बता दें कि बीते दिन बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया है कि अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी सुबह 10:30 बजे के बाद दफ्तर पहुंचते हैं तो उनके आकस्मिक अवकाश से कटौती की जाएगी। बता दें कि इस बारे में उन्होंने सभी विभागों को पत्र लिखने को कहा है और साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि जिन सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक उपस्थिति में टूर और शिफ्ट से जुड़ी समस्या है उसका जल्द ही निराकरण किया जाए। मालूम हो कि अब बहुत जल्द ही राज्य में सभी थानों की जानकारी केवल एक क्लिक से ली जा सकेगी। इसके लिए सभी थानों का भौगोलिक सूचना तंत्र मैपिंग द्वारा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में क्षेत्रीय अन्वेषकों से लेकर शिक्षकों तक की होगी बहाली। योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ही बिहार के 534 प्रखंडों में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के लिए 534 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है और अब तक प्रशासन विभाग को इस संबंध में पत्र भी भेज दिया गया है। बता दें कि प्रशासन विभाग के द्वारा सहमति दिए जाने के बाद नियुक्ति की अधियाना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। इसके अलावा विशेष स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर लोकहित याचिका पर हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 20 फरवरी तक जवाब तलब करें और बताएं कि स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है और शिक्षक नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। आनंद मोहन की बेटी की शादी में पहुंचे कई बड़े नेता। बीते दिन पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटी सुरभि आनंद की बेटी की शादी में वैरिया स्थित फार्म हाउस में कई बड़े नेता पहुंचे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह समेत कई अन्य मंत्री और विपक्ष के विधायक, सांसद तथा कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने बेटी सुरभि आनंद को नव दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए आशीर्वाद दिया और साथ ही आनंद मोहन और लवली आनंद को भी बधाई दी। मालूम हो कि अतिथियों का स्वागत पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद तथा उनके पुत्र विधायक चैतन्य आनंद ने की। इस दौरान उनके साथ ललन सिंह भी बारात के स्वागत में आनंद मोहन के साथ दरवाजे पर खड़े रहे। कुशवाहा छोड़ सकते हैं जेडीयू। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में सरगर्मी बनी हुई है। वहीं अब इसी बीच यह खबर आने लगी है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़ सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक अंग्रेजी अखबार को दिया गया इंटरव्यू सामने आया है, जिसके अनुसार अगर उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से निकाल दिया जाता है तो उनका आगे का प्लान क्या है, ऐसी स्थिति को भी काफी हद तक साफ कर दिया गया है। बता दें कि उन्होंने इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि अगर वह जेडीयू का साथ छोड़ते हैं तो वह बीजेपी में भी शामिल नहीं होंगे, बल्कि वह अपनी पुरानी पार्टी RLSP यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे। सुधाकर सिंह ने किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर कही ये बात। पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान RJD विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भूमि अधिग्रहण को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 219 वाराणसी कलकत्ता भारतमाला एक्सप्रेस के लिए जिन किसानों के भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें सरकार से उचित मूल्य यानी कि बाजार मूल्य में मुआवजा मिलना चाहिए। ये किसान भाइयों का वाजिब हक है। उन्होंने कहा कि सरकार और उनके कर्मचारियों की मनसा ठीक नहीं है। बाजार मूल्य तो छोड़िए, ये सरकार वाजिब मूल्य भी न देकर वर्षों पुराना मूल्य निर्धारित कर जबरन जमीन कब्जा करने के फिराक में है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य और देश में किसानों की जो दुर्दशा है वह किसी से छुपी नहीं है। बिहार कांग्रेस ने अपने 40 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा पत्र जारी कर बिहार कांग्रेस के 40 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसके तहत इन 40 नेताओं को 40 संगठन जिला का इंचार्ज बनाया गया है ताकि जिलों में पार्टी की मजबूती और आगामी सभी कार्यक्रमों की सफलता व जिला कांग्रेस पार्टी के सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। बता दें कि जिन 40 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसमें पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, विजेंद्र चौधरी, पूनम पासवान, अजीत शर्मा, भावना झा, मनोज कुमार सिंह, पूर्व विधायक गुंजन पटेल, कपिल देव यादव, प्रेमचंद मिश्रा, प्रवीण सिंह कुशवाहा, नागेंद्र विकल, LP गुप्ता, कृपानाथ पाठक, तारानंद सदा, जयप्रकाश चौधरी, शकील अहमद खान, तौकीर आलम, चंदन यादव, इजहारुल हुसैन, डॉक्टर जावेद समेत अन्य नेता शामिल हैं। कैमूर में 25-26 फरवरी को एक मंच पर होंगे टिकैत और सुधाकर। पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत बहुत जल्द ही एक मंच पर नजर आने वाले हैं। बता दें कि ये दोनों 25 और 26 फरवरी को कैमूर में हो रही किसान महापंचायत में एक साथ नजर आएंगे। इस बात की जानकारी खुद सुधाकर सिंह के द्वारा आज परिसदन भभुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 फरवरी को चांद और 26 फरवरी को भभुआ में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत की तैयारियों पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे जिले के किसानों को इस महापंचायत में आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वे सभी इस आंदोलन में आए और हमारा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर किसान इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो इसे मजबूती मिलेगी, क्योंकि आंदोलन जन आंदोलन है।
सानिया मिर्जा नजर आएंगी क्रिकेट में। बहुत जल्द ही अब सानिया मिर्जा टेनिस के बाद क्रिकेट में नजर आने वाली है। बता दी कि सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा आगामी महिला प्रीमियर लीग के लिए मार्गदर्शक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस पर सानिया मिर्जा का कहना है कि आरसीबी महिला टीम से मार्गदर्शक के रूप में जुड़ना मेरे लिए खुशी की बात है। भारतीय महिला क्रिकेट ने महिला प्रीमियर लीग के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है और मैं भी उत्सुक हूँ इस क्रांतिकारी कदम का हिस्सा बनने के लिए। उन्होंने कहा कि महिला प्रीमियर लीग देश में महिलाओं के क्रिकेट को नई पहचान देगा और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सानिया मिर्जा ने इस साल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद टेनिस संन्यास ले लिया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.2 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, अमर आजाद, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, रविशंकर, नन्नू गोलू कुमार, राजेश कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, राजकुमार प्रसाद, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, महमूद अंसारी, कन्हैया कुमार, विकास कुमार सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में बंद चीनी मिलों के खुल जाने से बिहार को कितना फायदा मिलेगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।